Mr. Abhishek Bhardwaj, he is the founder of Alternative Reality, doing a lot of work for homeless people. इस मूवमेंट में हमारे बहुत बड़े सपोर्टर शुरू से रहे हैं कंट्रोलेस डेटा सेंटर, जिनकी सपोर्ट। नमस्कार, गुड इवनिंग, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। देखिए, हमारा मेरा माध्यम जो है, मेरा काम जिससे मैं जुड़ा हूँ, वो है फिल्म टेलीविजन, जो आप लोग जानते हैं। काफी साल गुजर गए, बहुत कुछ किया, बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ समझा। फिर एक बात समझ में आई कि लोग कहते हैं कि बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए, लेकिन बदलना खुद कोई नहीं चाहता। प्रॉब्लम ये, जब मैं खुद निर्णय लेता हूं कि मुझे बदलना है, तब सही मायने में बदलाव शुरू होता है। मैं बदलूंगा तो जो दुनिया बदलेगी, जो मैं चाहता हूं, तो मुझे बदलना पहला जरूरी है। अब हमारा माध्यम फिल्म है, टेलीविजन है, तो हमने एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया है कॉल्ड इंडियन डॉक्यूमेंट्री फाउंडेशन, और ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका मकसद सिर्फ ये है कि हम डॉक्यूमेंट्री जो है, मेरे हिसाब से एक मिरर की तरह होगी, जहां आप अपना अक्स, अपना रिफ्लेक्शन सही मायने में देख सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, मैंने क्या देखा है कि मेरे घर में मेरे बच्चे भी, नॉर्मली हम सब एस्केपिस्ट एंटरटेनमेंट में ज्यादा खो गए, चाहे वो, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं कि ठीक है यार, आप हाउसफुल देखिए, बॉडीगार्ड देखिए, धमाल देखिए, फाइन, लेकिन कहीं कहीं असलियत और हकीकत का भी सामना करना जरूरी है। हम क्या है, उससे भागते हैं, अपने एयर कंडीशन कमरों में बैठ जाएंगे, वीडियो गेम खेलेंगे, फिल्म देखेंगे, और हमारी एयर कंडीशन गाड़ियों से गुजरते हैं मुंबई में, और लेकिन हमने कभी खिड़की नीचे कोई देखा नहीं कि वो ब्रिज के नीचे वो लोग जो है वो कैसे रह रहे हैं, कहां से आए हैं, वो आदमी जो आपको मांग रहा है क्या, नथिंग, वी जस्ट नथिंग, हम अपने एक कुकून में बैठे हुए हैं, दैट्स ऑल। तो मुझे ऐसा लगा कि फिल्में एक हद तक, जैसे थ्री इडियट्स ने, जिसने एक बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर कई लोगों को कॉन्शियस किया और उससे कुछ बदलाव भी आए, तो फिल्म एक बहुत बहुत अजीम माध्यम है जिसके जरिए बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन डॉक्यूमेंट्री में फर्क यह है कि डॉक्यूमेंट्री प्योर 100% हकीकत होती है, जो है वो है, और लोग देखना नहीं चाहते, लोग ऑलवेज वॉन्ट टू सी दिस वेरी मेकअप हुआ हुआ ग्लोरिफाइड लेंस के थ्रू देखी हुई कोई चीज, और डॉक्यूमेंट्री इज वेरी हार्ड, स्ट्रेट, ओ हमको नहीं देखना यार, ये तो बड़ा गंदा है और ये तो बहुत ही कुछ कांट बी सीन, लेकिन वो है, और वो है, उसको बदलना है तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी कॉन्शियसनेस। तो हमने ये निर्णय लिया कि ये फाउंडेशन जो है सोशली कॉन्शियस, एक सोशल चेंज जो डॉक्यूमेंट्रीज ला सकती है। कई साल लग जाते हैं कभी कभी इसकी समझ, तो हमारा इसका मकसद ये है कि हम डॉक्यूमेंट्रीज के बारे में अवेयरनेस, जो आजकल लोग समझ रहे डॉक्यूमेंट्री या वो फिल्म टेलीविजन ब्लैक एंड व्हाइट बोरिंग, नो, डॉक्यूमेंट्रीज बहुत इंटरेस्टिंगली भी, बहुत एक जो पॉइंट आप कहना चाहते हैं बहुत इंटरेस्टिंग। माइकल मूर एक बहुत फेमस डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है इंटरनेशनल सिनेरियो में, उन्होंने कमर्शियल सक्सेस भी देखी, उनकी डॉक्यूमेंट्रीज ने पैसे भी कमाए, लेकिन जो पॉइंट जो कहना चाहते हैं, बैंग ऑन। सो आई थिंक हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जो कहानियां हैं वो कहीं नहीं है जो बोलने के लायक है। तो आईडीएफ का मकसद यह है कि कहानियों को इकट्ठा करो, जो कहानी हमको लगता है कि फिक्शन है, बट ये फिक्शन से भी ज्यादा स्ट्रेंज होती है जो रियल हकीकत है। तो हम डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स को लाते हैं, हम उनको एनकरेज करते हैं, इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स को यहां लाएंगे, ट्रेनिंग देंगे, इसके लेवल को, जो डॉक्यूमेंट्री मेकिंग लेवल है उसको बढ़ाएंगे, फंड्स अगर हम इकट्ठा कर सकें ताकि डॉक्यूमेंट्रीज बन सके, और मेन स्ट्रीम में किस तरह हम डॉक्यूमेंट्रीज को इनकॉर्पोरेट कर सकें, चाहे वो सपोर्ट हम बॉलीवुड का किसी तरह से ले, स्टार्स का ले, लेकिन सपोर्ट करने के लोग हैं, लेकिन वो जानते नहीं कि करना क्या है। तो आईडीएफ का यही मकसद है कि डॉक्यूमेंट्री जो एक हकीकत का एक आईना होती है उनको उठाया जाए और लोगों को हकीकत एक सही मायने में दिखाया जाए, ताकि कुछ अंदर कॉन्शियसनेस रहे। देखिए क्या होता है ना कि वो कहते हैं कि समझदारी वक्त और समझ साथ में खुशकिस्मत लोगों को मिलती है, क्योंकि जब वक्त होता है तो समझ नहीं होती, और जब समझ आती है तो वक्त निकल जाता है। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि सही वक्त पे सही चीज दिखा सके, और अगर वो कनेक्ट हो जाए कहीं, सो दैट्स व्हाट वी कैन डू एज वो माध्यम में जानता हूं, उसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूं, दैट्स ऑल आई कैन डू, बिकॉज बाकी जो लोग हैं हर कोई अपना अपना काम कर रहा है, मेरा ये माध्यम है, इसके जरिए मैं क्या कर सकता हूं, ये हमारी कोशिश है। थैंक यू।